टीवी के फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इन दिनों शो पर एक खास चर्चा चल रही है और वो ये है कि शो के जज नेहा कक्कड़ और शो के होस्ट आदित्य नारायण की शादी होने वाली है। सभी को इंतज़ार है आदित्य और नेहा की शादी का। 14 फरवरी को दोनों की शादी की डेट तय की गई है। आदित्य नेहा से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आदित्य नेहा के लिए शादी का जोड़ा भी बनवा चुके हैं। वहीं आदित्य नारायण के माता पिता उदित नारायण और दीपा नारायण भी नेहा कक्कड़ को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। इन सब के बीच इंतज़ार था नेहा कक्कड़ की हाँ का। अभी तक नेहा कक्कड़ ने आदित्य से शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, लेकिन अब एक कमाल हो गया है और नेहा आदित्य से शादी के लिए राजी हो गई हैं। हाल ही में बॉलीवुड के लेजेंड धर्मेंद्र जी सेट पर पहुंचे। जब धर्म जी सेट पर नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया के साथ बैठे थे, तभी शो के होस्ट आदित्य नारायण धर्मेंद्र से कहते हैं कि जैसा कि सभी को पता है कि मेरी शादी 14 फरवरी को होने वाली है। इस पर धर्मेंद्र ने कहा कि अरे वाह, किससे? इस पर आदित्य बताते हैं कि वह आपके पास ही बैठी हुई है। तब धर्मेंद्र ने कहा कि वो बहुत अच्छी पसंद है। आगे आदित्य कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नेहा ने अभी तक हाँ नहीं की है। इस पर धर्मेंद्र एक कमाल की चीज़ करते हैं। वो आदित्य से कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि लड़की से हाँ कैसे करवाते हैं। इसके बाद सेट पर जो हुआ वो काफ़ी मज़ेदार है। सेट पर फिल्म शोले का एक खास सीन फिर से नज़र आने वाला है। सेट पर एक छोटी सी टंकी मंगाई गई, जिस पर धर्म जी ने आदित्य के साथ चढ़कर फिल्म शोले का डायलॉग गांव वाले, जिसमें वो बसंती से शादी के लिए हाँ करवाने के लिए टंकी पर चढ़कर बोलते हैं, रिपीट करने वाले हैं। धर्म जी टंकी पर चढ़कर बोलते हैं कि गांव वालों, मेरी बसंती से नहीं नेहा से शादी होने वाली थी, लेकिन इस मौसी ने बाजी मार ली। इसके बाद धर्म जी और आदित्य टंकी से कूदने की बात कर रहे हैं। ये सब सुनकर नेहा कक्कड़ शादी के लिए तैयार हो गई हैं और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया है। नेहा की हाँ सुनकर आदित्य कहते हैं कि टंकी नीचे करो मरना कैंसिल। इतने दिनों से आदित्य को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ ही गई और नेहा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब आने वाली 14 फरवरी को दोनों की शादी होना तय है। सेट पर दोनों की शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। आप भी नेहा के इस हाँ को सुनना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं इंडियन आइडल का ये खास एपिसोड, और 14 फरवरी को दोनों की शादी देखना ना भूलें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।